नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास डांगिया। दर्शकों, अपने प्रत्येक अंक में हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी छेलावाड़ा जी के साथ कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से जुड़े अलग अलग पहलुओं पर बातचीत करते हैं। इतना ही नहीं, फिर वो कुछ रिलेशनशिप से जुड़े पहलू हों, करियर, फाइनेंस, अलग अलग पहलुओं पर हम जीवन से जुड़े पहलुओं पर बातचीत करते हैं। आप लोगों के समय समय पर हमें सुझाव मिलते हैं और उनको भी मद्देनजर रखते हुए हम कुछ टॉपिक्स को शॉर्टलिस्ट करते हैं और उन्हीं में से शॉर्टलिस्ट किया हुआ आज एक टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एंड वास्तु। देखिए, जो लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिनके हैं, किसी भी तरह का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो सकता है, उसका रखरखाव किस तरह का होना चाहिए, इसको हम जानेंगे आज हमारी वास्तु फंक्शन कंसल्टेंट पल्लवी जी से। आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। हमारा आज का जो विषय है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड वास्तु, क्या कहेंगे उसके बारे में? वास्तु शास्त्र के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो, हर चीज में परफेक्शन और क्रिएटिविटी। काफी सारे लोगों के दिमाग में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के बारे में, जब वास्तु शास्त्र के बारे में बात होती है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एंड वास्तु शास्त्र, तब कई बार ऐसी ख्याल आते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारी मशीनरी चाहिए, हमारे एक ऑपरेशन का अपना मेथड बना हुआ है तो वो सिस्टम हमें फॉलो करना पड़ता है। ऐसा ना हो कि वास्तु के हिसाब से अगर हम बनाएंगे तो हमें उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है, ऐसी आम आदमी की सोच विचार हो सकते हैं। लेकिन वास्तु जिस तरह से कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के अंदर एक फ्लोर प्लान डिजाइन करता है, जो उसका ओरिएंटेशन होता है सिस्टम का, कि जिसमें किचन, बेडरूम, बाथरूम सब चीज बहुत अच्छी लगती है, अगर उसके अंदर वास्तु का कंस्ट्रक्शन के अंदर आप जब अप्लाई करना शुरू करते हो, बने आए घर में वास्तु के हिसाब से इंटीरियर करते हो, तो उसमें परफेक्शन आ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही जब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर वास्तु शास्त्र को अप्लाई किया जाता है, तो उसमें ही उतना परफेक्शन आता है। जो प्रोडक्शन आप बना रहे हो, उस प्रोडक्शन में आपको अपने बिजनेस में सेटिस्फेक्शन, बिजनेस का जो फ्लो ऑफ एनर्जी होती है, बिजनेस में जो फास्ट, मतलब आपकी जो प्रोडक्ट मार्केट में जाती है और जो उसके पॉजिटिव रिव्यू आते हैं, फीडबैक आते हैं, जो आप वहां पे तमाम बिजनेस करते हो, उस बिजनेस में आपका प्रोग्रेस और सक्सेस जुड़ा हुआ होता है, हर चीज अपने आप में बहुत परफेक्ट बन जाती है। जो वहां पे काम करने वाले एम्प्लॉय होते हैं, अगर कोई इस तरह के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो कि केमिकल के साथ है, मेटल इंडस्ट्री के साथ है, उसमें छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं, कुछ इंसिडेंट होते रहते हैं, तो वो तमाम तरह की दुर्घटना में भी आपको हेल्प करता है, ताकि प्रॉपर्टी जो है आपका, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वो बिना किसी प्रॉब्लम्स, बिना किसी इंसिडेंट आसानी से चलता रहे। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का मेरे पास इतने सालों की प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, जो US का भी है, इंडिया का भी है, कुछ और कंट्री का भी है, तो बहुत अच्छा विषय चुना है आपने। इसके माध्यम से मैं कुछ ऐसी बातें कहना चाहूंगी, जो लोग कोई भी तरह के मैन्युफैक्चरिंग के साथ जुड़े हुए हैं, उनको उसमें काफी अच्छी छोटी छोटी वास्तु की टिप्स मिल सकती है। सिलसिला जो हम शुरू करते हैं मशीनरी को लेकर के, जो मशीनरी जो मेन आधार है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का, जो बार बार किसी ना किसी वजह से बिगड़ जाती है, हो सकता है कि वो सही दिशा में उसकी पोजीशनिंग ना की गई हो, क्या गाइड करेंगे उसके बारे में? मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के बारे में वास्तु शास्त्र में काफी सारे मिथ्स हैं। बहुत सारे कंसल्टेंट जिसको वास्तु के बारे में आधी अधूरी जानकारी है, वो कई बार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सक्सेसफुल बना नहीं सकते हैं। कुछ ऐसे मिथ्स है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, जिससे आप भी उसको समझ पाओगे कि बिल्कुल सही बात है। वास्तु में कहा जाता है कि जो प्रॉपर्टी का सरफेस कवर होता है, वो टॉल एंड हैवी होना चाहिए, उसमें काफी ज्यादा वेट होना चाहिए। जो एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनता है, उसके अंदर काफी सारी चीजें होती है, जिसको आपको कंसल्टेंट के तौर पे उसका पूरा ओरिएंटेशन बनाना होता है, हर चीज के लिए अपनी एक स्पेस डिसाइड करनी होती है, उसका प्लेसमेंट करना होता है। तो एक तो होता है रॉ मटेरियल। मैंने इंडिया में एक बॉक्साइट यूनिट का बहुत सालों पहले काम किया था, जिसके अंदर उसका रॉ मटेरियल इतना ज्यादा हैवी था कि वहां पे रॉ मटेरियल का स्टॉक कॉन्स्टेंटली बना रहता था, फिनिश गुड जो था वो भी उतना ही ज्यादा हैवी था, लेकिन वो तमाम बॉक्साइट का जो रॉ मटेरियल और फिनिश गुड था, उसके मुकाबले उसकी जो मशीनरी थी, उसका वेट सबसे ज्यादा कम था। डायमंड इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं, तो उसका रॉ मटेरियल बहुत ही ज्यादा लाइट वेट होता है, उसका फिनिश गुड बहुत ज्यादा लाइट वेट होता है, वहां पे मशीनरी बहुत ज्यादा हैवी होती है। मेटल इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं, तो उसका रॉ मटेरियल भी हैवी होता है, मेटल का जो मशीनरी होती है उससे भी ज्यादा हैवी होती है, और उसका फिनिश गुड होता है वो भी बहुत ज्यादा हैवी होता है।
चैलेंज कंसल्टेंट के लिए ये है कि आप किस तरह के इंडस्ट्री के साथ जुड़े हो, किस तरह की चीजों का आपको सजावट करना है। एक और मैं एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, मैंने सैन फ्रांसिस्को में एक ऐसी कंपनी के साथ काम किया था जो अलग अलग तरह के जो चाइना वगैरह से जैकेट्स वगैरह आते हैं वो सब लेते हैं और उसके ऊपर एक कढ़ाई की जाती है जिसमें आई लव न्यूयॉर्क, आई लव फ्लोरिडा और अलग अलग चीजों को लिखा जाता है और वो सारे एयरपोर्ट के ऊपर या होलसेल के अंदर वो लोग उनको सेल करते हैं। तो जो जैकेट्स आते थे उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होती, अलग अलग तरह के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होते हैं, कहीं पे प्रोडक्शन के बाद सामान बढ़ जाता है। यहाँ पे ऐसा था कि हम लोग सामान को जितना लेते थे बेचने में उतना ही रहता था और सामने उसके ऊपर एक खाली प्रोसेस की जाती थी और उसके बाद वो चला जाता था। तो तरह तरह की चीजें मिलती है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिसका रॉ मटेरियल हैवी है, फिनिश गुड हैवी है और उनकी मशीनरी जो है वो लाइट वेट है, जैसे मैंने बॉक्साइट यूनिट का एग्जांपल दिया, तो उस कंडीशन में वास्तु के जो रूल्स है कि भाई साउथ वेस्ट हैवी होना चाहिए और साउथ वेस्ट में ज्यादा हैवी सामान होना चाहिए, तो यहाँ पे काफी कंसल्टेंट मिसगाइड हो जाते हैं और जो मैन्युफैक्चरिंग के ऑनर है उनकी जो सिस्टम है उनका जो ओरिएंटेशन है उसमें रॉ मटेरियल का हिस्सा जो है वो साउथ वेस्ट में रख देते हैं। यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि कई बार आप अपने एक्सपीरियंस के बिना वास्तुशास्त्र में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो, वास्तु की प्रैक्टिस में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कई बार एक साथ दो रूल्स एंड रेगुलेशन को समझना होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के साथ जुड़े हुए तमाम लोगों को मैं एक कॉमन टिप्स देना चाहूंगी कि चाहे कितना भी हैवी आपका मटीरियल क्यों ना हो, आपका फिनिश गुड कितना भी हैवी क्यों ना हो, वास्तु की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वास्तु के हिसाब से साउथ वेस्ट कॉर्नर जिसको हम नैऋत्य कोण बोलते हैं वहां पे किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का रॉ मटेरियल और फिनिश गुड नहीं होना चाहिए। पल्लवी जी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लेकर के दर्शकों ने कई सवालों को व्यक्त किया है और देखिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है पूरा एक सप्लाई चेन की तरह है, पीछे से रॉ मटेरियल समय से आना चाहिए, फिर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर सही तरीके से होना चाहिए और फिर मैन्युफैक्चर होने के बाद वो उनके जो वेयरहाउसेस में या रिटेल आउटलेट्स में वो समय से पहुंचना चाहिए, यानी डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से होनी चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन यानी ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग, अनलोडिंग तमाम पहलू इन्वॉल्व है। तो सप्लाई चेन कई लोगों की किसी भी जगह पे बिगड़ जाती है तो बिजनेस में प्रभाव पड़ता है उसका। ना हो सप्लाई चेन इश्यूज, उसके बारे में क्या गाइड करेंगे? जैसे अभी सबसे पहले मैंने कहा कि वास्तु के हिसाब से कुछ ऐसी कॉमन टिप्स है जो हर तरह के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और हर तरह के बिजनेस के लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसमें यही खास बात है कि अगर आपका रॉ मटेरियल का स्टोरेज साउथ वेस्ट दिशा में है या फिनिश गुड स्टोरेज आपका साउथ वेस्ट दिशा में है तो जो भी आपकी पूरी सिस्टम बनी है वो पूरी सिस्टम जो है वो प्रॉब्लम में आ जाएगी। यानी कि अगर आपके पास सामान है तो आपके पास कस्टमर नहीं होंगे, कस्टमर है तो रॉ मटेरियल नहीं होगा, तो वहाँ पे जो आपकी जो पूरी जो चैनल है वो डिस्टर्ब हो जाती है। उतना ही इम्पोर्टेंट ये होता है कि जब कभी आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को पसंद करते हो तो आपका जो लोडिंग और अनलोडिंग के लिए जो डॉक होता है वो अगर आपका साउथ वेस्ट दिशा के अंदर बना हुआ हो तो वहाँ पे उसके लिए एक रैंप होती है, डॉक की पोजिशन इस तरह से बनी हुई होती है, अगर वो साउथ वेस्ट दिशा की है तो वहां पे काम करने वाले हर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लोगों को एक या दूसरे तरीके से अपने बिजनेस को रन करने में एम्प्लॉय के इश्यू, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट सप्लाई के इश्यू, वो तमाम चीज बनी रहती है। तो कुछ कॉमन सुखी टिप्स ऐसी है जो कॉमन वास्तुशास्त्र के अंदर आती है जिसमें मैन्युफैक्चर प्लांट का जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है, व्यक्ति कौन है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे कॉमन वास्तु दोष है जो आपको बिजनेस में सक्सेसफुल होने नहीं देते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि जो यूनिट आप पसंद कर रहे हो उसका लोडिंग अनलोडिंग जो डॉक होता है वो कभी भी साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए। कैलिफोर्निया वगैरह, टैंपा वगैरह में काफी सारे ऐसे लोग हैं जो स्टोन बिजनेस के साथ जुड़े हुए, उनका थोड़ा सा गेंसो यूनिट जैसा होता है जिसमें वहाँ पे स्टोन को कट किया जाता है, फिनिश किया जाता है। कुछ मार्बल होते हैं जो गेंसो यूनिट मार्बल के साथ जुड़ा हुआ होता है जिसकी कुछ पॉलिश और फिनिश होते हैं। तो ये तमाम चीजों के अंदर उनका वेयरहाउस और उनका रिटेल स्टोर, कई बार वेयरहाउस और होलसेल साथ साथ में होता है, तो इस तरह के बिजनेस में उनका जो मटेरियल होता है वो भी हैवी होता है, फिनिश गुड इक्वल वेट का होता है और लोडिंग अनलोडिंग डॉक उसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जिस तरह से आप अपना रॉ मटेरियल फिनिश गुड का ख्याल रखते हो, कुछ दिशाओं में बिल्कुल भी वास्तु के नियम के अनुसार नहीं होना चाहिए और अगर हो तो उसको रेक्टिफाई किया जाता है, ठीक उसी तरीके से लोडिंग अनलोडिंग डॉक का उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ऐसे तमाम लोग जो इस तरह की इंडस्ट्री के साथ बिलोंग करते हो जिसका रॉ मटेरियल फिनिश गुड लाइट वेट है और उनकी मशीनरी बहुत ज्यादा लगती है या बहुत ही
हैवी मटेरियल की मशीनरी को इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ऐसे तमाम लोगों को अपनी जो मशीनरी का जो सिस्टम होता है, जो इंस्टॉलेशन होती है मशीनरी की यूनिट में, वो कोशिश करनी चाहिए कि साउथ ईस्ट यानी कि अग्नि दिशा में हो, साउथ यानी कि दक्षिण दिशा में हो, नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा में हो। और ये तीनों दिशा के अंदर जो मशीनरी होती है उसमें जो उनकी जो प्रोडक्ट का निकलने का जो प्रोडक्ट का आउटगोइंग होता है, प्रोडक्ट का जो फ्लो होता है, वो इस तरह से होना चाहिए कि वो ईस्ट टू वेस्ट हो सकता है या साउथ टू नॉर्थ हो सकता है। यानी कि मशीनरी का प्लेसमेंट आपको ऐसे करना है, मशीनरी आपने साउथ में इंस्टॉल की है, जो आप उसके अंदर अपना रॉ मटेरियल डालते हो मशीनरी के अंदर, वो साउथ से जा रहा है लेकिन उसका जो प्रोडक्शन है वो नॉर्थ से निकल रहा है। अगर आपने मशीनरी ऐसे इंस्टॉल की है कि जो मशीनरी साउथ में है लेकिन आप उसके अंदर जो उसका रॉ मटेरियल डाल रहे हो वो वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा में डाल रहे हो, और उसका जो फिनिश गुड है वो आपको ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा से मिलता है। तो मशीनरी का फेसिंग इंपॉर्टेंट होता है, मशीनरी का इंस्टॉलमेंट इंपॉर्टेंट होता है, और वो इंस्टॉलेशन उस जगह के लिए इंपॉर्टेंट होता है जिसके यूनिट में उसका रॉ मटेरियल फिनिश गुड लाइट वेट हो। तो हम अपने काम में तीन तरह से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को डिवाइड करते हैं। पहला ऐसा प्लांट होता है जिनके पास रॉ मटेरियल काफी टाइम तक रहता है, उसके बाद उनका जो फिनिश गुड है वो एक प्रोसेस के बाद, एक अरसे के बाद जाता है, 30 दिन के बाद, 40 डेज के बाद, जो लोग कंटेनर लोड में बिजनेस करते हैं। कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जिसमें उनके पास सामान जैसे आता है, कस्टमर के ऑर्डर पहले बने हुए होते हैं और वो कई बार सीधा डायरेक्टली उनको दे देते हैं और उनको वहां पे उसके ऊपर कोई सेमी प्रोसेस या कोई प्रोसेस करना नहीं होता, एक हाथ दे एक हाथ ले। इस तरह के बिजनेस में प्रोडक्ट, उसमें जो एक्टिविटी मोशन होता है बहुत फास्ट होता है, प्रोडक्ट जैसी आती है चली जाती है। और तीसरे कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जिसके अंदर सेमी प्रोसेस, बहुत ही हल्का सा प्रोसेस करना होता है और उसके बाद चला जाता है। बहुत जल्द हाजिर होंगे। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत। इससे पहले आपने कहा कि कुछ रॉ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो लाइट वेट के हैं, फिर मैन्युफैक्चर करने के बाद उसका वेट बढ़ जाता है, प्रोडक्ट का, फिनिश प्रोडक्ट का वेट बढ़ जाता है, तो उस हिसाब से दिशाओं का ध्यान रखना चाहिए, मशीनरी किस फेसिंग हुआ है उसका ध्यान रखना चाहिए। और कई बार ऐसा, इसकी विपरीत परिस्थिति भी होती है कि पल्लवी जी रॉ मटेरियल बहुत हैवी होता है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद क्योंकि वो पीसेस में कट जाता है तो प्रोडक्ट लाइट हो जाता है। तो यहाँ पर वो कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए कि लाइट में अलग दिशा है, क्या हैवी के लिए ऑपोजिट दिशा होगी या उसके लिए भी वही दिशा है, और अब ये भी समझ ले कि फिनिश प्रोडक्ट अब लाइट हो गया, लाइट वेट का हो गया है क्योंकि चीजें ब्रांच आउट हो गई हैं, उसमें से कट गई हैं, और जो पहली परिस्थिति थी जहाँ पे रॉ मटेरियल लाइट था लेकिन फिनिश प्रोडक्ट हैवी था, यहाँ रॉ मटेरियल हैवी है लेकिन फिनिश प्रोडक्ट लाइट है, क्या कहेंगे? जो मेटल कास्टिंग की इंडस्ट्री होती है उनका जो रॉ मटेरियल आता है बहुत ज्यादा हैवी होता है, कई बार उसको वो लोग टॉर्चर से उसको कट डाउन करते हैं, कई बार कुछ मशीनरी होती है जिसको टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाता है और उसको अलग अलग तरह के रूप दिए जाते हैं, और उसके बाद जो मटेरियल रॉ मटेरियल होता है वो डिफरेंट शेप में कन्वर्ट हो जाता है, और जिस तरह का शेप होता है उस तरह से उसका इंडिविजुअल पैकिंग होता है, और उसकी कई बार ऐसा होता है कि उसमें वेट कम हो जाता है क्योंकि प्रोडक्ट जो है बहुत तरह के अलग अलग पीसेस में डिवाइड हो जाती है, तो उस कंडीशन में आपका जो फिनिश गुड होता है वो लाइट वेट हो जाता है। हमेशा ऐसा नहीं होता है लेकिन अलग तरह से लाइट गुड और फिनिश गुड के अंदर, मतलब हैवी और लाइट वेट के अंदर वो स्प्लिट हो जाता है, ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं। तो ऐसा होता है कि जहां कहीं आपका रॉ मटेरियल हैवी है तो वास्तु के हिसाब से अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाना है तो ये बात आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की दिशा का सिलेक्शन जगह के ओनर के हिसाब से किया जाता है, चाहे ओनर वो किसी और से करवाते हैं, जॉब वर्क करवाते हैं, जिस तरह से। अभी मैं एक US की बहुत बड़ी सिगार कंपनी के साथ काम कर रही हूँ और उनका काम ऐसा है कि वो आपको अपनी प्रोडक्ट का नाम और राइट्स देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग आपको करवानी है। अब यहाँ पे चैलेंज ये है कि जिस क्लाइंट के पास इसके राइट्स है, जो क्लाइंट्स को ये बिजनेस करना है, जो बहुत ही कैपेबल है, स्ट्रांग है, पावरफुल बिजनेसमैन है, लेकिन उसको मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट के साथ लेन देन नहीं है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जैसे डायमंड किसी को सूट करता है नहीं करता है, लोहा किसी को, मेटल सूट करता है नहीं करता है,
ठीक उसी तरीके से वास्तु शास्त्र में जो बिजनेस के लिए आपका जो करियर चार्ट होता है उसमें मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हर किसी को सूट नहीं करता है। आप ट्रेडिंग में बेस्ट हो सकते हो, आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप डीलरशिप में बेस्ट हो सकते हो, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हर एक को सूट नहीं करता है। तो पहले ही देखा जाता है कि जो ओनर है उसका मुखिया है उसको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सूट करता है कि नहीं करता है। अगर नहीं करता है तो आप अपने परिवार जनों के या जो बाकी के डेट ऑफ बर्थ से आपके जो दोस्त है या कोई और परिवार के फैमिली के फ्रेंड्स वगैरह जो उसको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सूट करता है उससे आप जॉबर करवा सकते हो। बेशक आप खुद ना करो बट आप उनके लिए अपने लिए जॉबर को हायर कर सकते हो। तो जॉबर के लिए भी काफी सारे प्लांट्स बनाए जाते हैं जिसमें अलग अलग तरह की प्रोडक्ट्स आती और जाती है। जो व्यक्तिगत तौर पे बातें हैं वो मैनेजमेंट लेवल को बनाना, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अपने आप नहीं चलता, उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम चाहिए जो उस पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के सारे डिसीजन लेते हैं। तो एक यूनिट जब बनाना होता है तो उसमें मैनेजमेंट टीम का सेटिंग अरेंजमेंट होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट होती है उसका सारा अरेंजमेंट होता है। तो यहाँ पे ये बात देखी जाती है कि मैनेजमेंट टीम कहाँ पे बैठेगी, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आप कहाँ पे रखोगे, और उसके बाद जो उसकी जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से रिक्वायरमेंट फुलफिल किया जाता है। ऑनर के हिसाब से मैनेजमेंट टीम बनाई जाती है, उनका उठना बैठना उनकी दिशा उनकी एंट्री सारे एम्प्लॉय का एक्सेस ऑफ द प्रॉपर्टी जो होती है एम्प्लॉय का आना जाना होता है वो सब मैनेजमेंट सारी चीजें ऑनर के हिसाब से बताई जाती है। मैनेजमेंट यूनिट जो होता है वो नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से बनाया जाता है। वास्तु शास्त्र के हिसाब से ये देखा जाता है कि इस व्यक्ति को इस तरह का नेचर ऑफ बिजनेस सूटेबल है या नहीं है, और अगर सूटेबल है वो डायमंड इंडस्ट्री के सूट करता है, उसको मेटल इंडस्ट्री सूट करती है, उसको कई बार पानी के वाटर बॉटल वगैरह काफी सारे बिजनेस वाटर से रिलेटेड अमेरिका में होते हैं, क्लियरिंग फॉरवर्ड एजेंट होते हैं, तो वो तमाम चीजें देखी जाती है कि इस तरह का बिजनेस उनके लिए सूटेबल है कि नहीं। उसके बाद जो बिजनेस का सेटअप होता है वो व्यक्तिगत नहीं होता है, वो सिर्फ नेचर ऑफ बिजनेस को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। इतने सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फार्मास्यूटिकल कंपनियां बहुत अलग अलग तरह के फील्ड में मैंने काम किया है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का अपना एक वास्तु होता है जो उस बिजनेस की और रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से फिक्स किया जाता है। कभी भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एक तरह से नहीं बनेंगे, ऐसी कोई फिक्स दिशा नहीं है कि मशीनरी एवरी टाइम ईस्ट में जाएगी एवरी टाइम साउथ में जाएगी या साउथ ईस्ट में जाएगी। हर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट उसकी जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट होगी और वहाँ पे जो भी तरह के स्क्वायर फीटेज होंगे, कई बार बहुत बड़ा यूनिट होता है, कई बार बहुत छोटा होता है, कई बार कुछ इसे इंडोर में होती है, कई बार आउटडोर में होती है, तो जिस तरह के बिजनेस की नेचर ऑफ रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से एवरी टाइम प्लेसमेंट बदल जाता है और मशीनरी और जो जो भी तरह की उन्होंने चीजें रखी है उसका वेट उसकी हाइट मशीनरी की जो प्रकृति है यानी कि मशीनरी बहुत ज्यादा 24 आवर्स का यूनिट है, उनको हमेशा चलानी है कभी कभी चलानी है, तो तमाम चीजों को रखकर वास्तु कंसल्टेंट जो होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डिजाइन करते हैं। पल्लवी जी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स तरह तरह के हो सकते हैं, जैसे आपने ज्वेलरी की या डायमंड इंडस्ट्री के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का जिक्र किया, उससे उसके अतिरिक्त मेटल इंडस्ट्री के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का जिक्र किया, हो सकता है वो फूड से जुड़ा हो, रबर इंडस्ट्री से जुड़ा हो, टेक्सटाइल से जुड़ा हो। अब वास्तु के मायने क्या इंडस्ट्री दर इंडस्ट्री वो मैटर कर जाते हैं, यानी कि टेक्सटाइल के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का अलग वास्तु होगा, फूड का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वास्तु अलग होगा, या एज अ होल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ये सभी को एक सा ही नॉर्म्स जो हैं सभी के एक से ही होंगे? ज्यादातर वास्तुशास्त्र के रूल्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोडक्ट वाइज या नेचर ऑफ बिजनेस वाइज बदल जाते हैं। काफी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यूएस में कभी कुछ बनता ही नहीं, सब कुछ बाहर से आता है, लेकिन मैं 1989 से प्रैक्टिस करती हूँ, मैंने अमेरिका में देखा है कि यहाँ पे बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ऐसा नहीं है कि यूएस में कुछ नहीं बनता है, बहुत सारी मेड इन यूएस चीजें यहाँ पे बन रही है और काफी सारी इंडस्ट्री अलग अलग तरह की इंडस्ट्री के साथ में काम करती हूँ। ई वेस्ट का बहुत बड़ा बिजनेस है, मेटल स्क्रैप का बहुत बड़ा बिजनेस है, नेवाडा कैलिफोर्निया बेकर्सफील्ड वहाँ पे अलग अलग तरह की गोल्ड की माइंस वगैरह माइंस के यहाँ पे काफी सारे बिजनेस है। कुछ ऐसे भी यहाँ पे यूनिट है जो फिर पेंसिल्वेनिया फिलाडेल्फिया साइड है जो कि ई वेस्ट वगैरह बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं। तो काफी अलग अलग तरह के लोगों से मैं काम करती हूँ। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर सिर्फ हम जॉबर करते हैं, जिसमें हमें वहां पे कुछ करना नहीं है, हमें क्लाइंट जो सामान बेचता है हम उसके लिए प्रोसेस करके और बेच देते हैं, तो उसमें वास्तु जो होता है वो बहुत डिफरेंट होता है, क्योंकि जैसे ही उनकी प्रोडक्ट फिनिश होती है उसी दिन नेक्स्ट डे उसका सामान जो होता है निकल जाता है।
तो जैसे मैंने पहले कहा कि वास्तु कंसल्टेंट के लिए सिर्फ तीन बातें इम्पोर्टेंट होती है कि प्रोडक्ट आनी कब है और कितने दिन तक वहाँ पे रुकनी है। 15 डेज के बाद डिस्पैच है, 30 डेज के बाद है, ऑन द स्पॉट डिस्पैच है, तो कितना रहना है वहाँ पे डिपेंड करता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको कस्टमर ढूंढना है, अपना मार्केट खुद खड़ा करना है, और उसके बाद आपके पास से प्रोडक्ट वहाँ पे जाती है, आपके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव मार्केट में घूम रहे हैं और उसके बाद वो वहाँ पे आपके लिए मार्केट क्रिएट करते हैं। उस कंडीशन में फिनिश गुड जो होता है वो काफी देर तक यूनिट के अंदर ठहरता है। तो ज्यादातर नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से, वास्तु के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को बनाया जाता है, वास्तु के रूल्स रहते हैं और बिजनेस की रिक्वायरमेंट को समझा जाता है और दोनों को मिला के उसको डिजाइन किया जाता है। दर्शकों, वास्तु लिविंग में वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम पल्लवी जी से जानेंगे टिप ऑफ द वीक और आज के विषय को आगे बढ़ाएंगे। बहुत जल्द हाजिर होंगे। स्वागत आप सबका एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वास्तु लिविंग और पल्लवी जी से आज हम बातचीत कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड वास्तु विषय पर। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत। सवाल मेरे ध्यान में बहुत सारे हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लेकर के। पहले आपसे जान लेता हूं टिप ऑफ द वीक और फिर उन सवालों को लेकर आगे बढ़ेंगे। जहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में कोई भी तरह के शेप ऑफ द लॉट में प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि आपने अपना बना लिया है यूनिट और उसके बाद आपको पता चलता है इसका शेप सही नहीं है, तो आपको यूनिट को बदलने की जरूरत नहीं होती है। आप लैंडस्केपिंग की हेल्प से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को स्प्लिट कर सकते हो, उसको एक शेप दे सकते हो और उसमें परफेक्शन ला सकते हो। अगर आप शेप को सही तरीके से डिजाइन कर सकते हो तो वहाँ पे काफी सारे प्रॉब्लम्स, मशीनरी आपकी हैवी है, आपने वहाँ पे रॉ मटेरियल स्टॉक्स ठीक नहीं किया है, तो शेप को प्रॉपर डिजाइन करके या यूनिट को कई बार दो पार्ट में डिवाइड करके जैसी वहाँ पे जरूरत हो तो वहाँ से आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सही कर सकते हैं। जी पल्लवी जी, एक और तो बहुत सारे सवाल हैं और एक और समय का भी अभाव है, तो एक ही सवाल में मैं दो तीन चीजें कवर करना चाहूंगा और आपसे निवेदन करूंगा कि हमें थोड़ा गाइड कीजिए। मैनेजमेंट जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, उन लोगों का भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की, एक तो मैन्युफैक्चरिंग एक जगह हो रही है लेकिन ये लोग जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को रन कर रहे हैं वो लोग भी वहां बैठते हैं, तो उनकी व्यवस्था किस तरह की होनी चाहिए? दूसरा, इन्हीं जगहों के ऊपर वाटर ड्रेनेज जो है वो कहाँ होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए, और इलेक्ट्रिकल पैनल्स, क्योंकि सब कुछ तो बिजली से चल रहा है, तो उसकी भी क्या सही दिशा है? सबसे पहले वो सारे मैन्युफैक्चरर, अगर आपके आसपास में आपके किसी परिवार जनों के या दोस्तों के, तो आप देख सकते हो जहाँ कहीं मैनेजमेंट और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एक साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें मैनेजमेंट के भी काफी लोग हैं क्योंकि यूनिट बड़ा है, तो ऐसे तमाम लोगों को, साउथ में यूनिट है एंड नॉर्थ में मैनेजमेंट टीम है, वेस्ट में यूनिट है और वहां पे उनके पास ईस्ट में मैनेजमेंट टीम है, इस तरह की व्यवस्था जो होती है वो यूनिट को रन करने में, उसका फ्लो मैनेज करने में आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होती है। और ईस्ट टू वेस्ट या जो नॉर्थ टू साउथ, यानी कि नॉर्थ में मैनेजमेंट टीम, साउथ में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ईस्ट में मैनेजमेंट टीम और वेस्ट में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इसको आइडियल व्यवस्था मानी जाती है। इलेक्ट्रिक के बिना कोई काम नहीं होता, इलेक्ट्रिकल है, फाइबर ऑप्टिकल है, वहाँ पे आई क्लाउड सर्वर सिस्टम है, ये तमाम चीजें बिजनेस का हार्ट मानी जाती है। तो वास्तु के हिसाब से अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किसी भी दिशा में हो और आपको खुद को मौका मिलता है कि सही दिशा में इलेक्ट्रिकल पैनल को अगर आपको लगाना है या ट्रांसफार्मर को लगाना है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, ये तीनों दिशा में इलेक्ट्रिकल पैनल की कोई व्यवस्था ना हो। अगर ये तीनों डायरेक्शन में से कहीं पे भी इलेक्ट्रिकल पैनल, इलेक्ट्रिकल ब्रेकर्स, फाइबर स्टिकर, सर्वर सिस्टम, आई क्लाउड, इस तरह की कोई भी व्यवस्था हो, तो बिजनेस को फ्लो को मेंटेन करने में आपकी परेशानी क्रिएट कर देती है। ये तीनों दिशा के अलावा काफी दिशा में आप इलेक्ट्रिकल चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो, और यहाँ पे कहीं पे भी बनी हुई हो तो आपको उसकी रेमेडी जरूर करनी चाहिए। जी, और चलते चलते वाटर ड्रेनेज के बारे में कुछ गाइड करना चाहेंगे?
वाटर ड्रेनेज मैन्युफैक्चरिंग में अलग अलग तरह से होता है। कुछ ऐसे बिजनेस है जिसके अंदर बहुत ज्यादा पानी डिटेंशन पॉन्ड जरूरी होता है, वहां पे पानी का फ्लो बिजनेस के अंदर प्रोसेस करने में। जैसे अगर मेडिकल मारवाना बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो वहां पे पानी का फ्लो कॉन्स्टेंट बना रहता है। ऐसे काफी सारे बिजनेस है जिसके अंदर पानी का कॉन्स्टेंट फ्लो बना रहता है। तो अगर पानी बहुत ज्यादा मात्रा में निकलता हो तो कोशिश करनी चाहिए कि उसका जो आउटगोइंग हो, यानी कि जो सीवर सिस्टम हो या उसकी सेप्टिक टैंक हो या पानी का जो दूषित पानी का फ्लो है, वो नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट से नहीं होना चाहिए। अगर जो बिजनेस सिर्फ वाटर के साथ जुड़ा हुआ हो, वहां पे सब कुछ होने के बाद जब भी मैन्युफैक्चरिंग में पानी का इक्वल वहां पे इंपोर्टेंस हो, बहुत ज्यादा मात्रा में यूज किया जाता हो, और अगर उसका वाटर ड्रेनेज नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट दिशा से निकलता हो, तो बिजनेस जो है उसमें आपके इनकमिंग से आउटगोइंग फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। उसके एक्सपेंस कॉन्स्टेंटली इतने बड़े रहेंगे कि आप इनकमिंग और आउटगोइंग को वहां पे मैनेज नहीं कर पाओगे। इनकम से खर्चे जो होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के अंदर आउटगोइंग पानी का नहीं होना चाहिए। जी बहुत ही अच्छा सुझाव पल्लवी जी आपके ओर से। दर्शकों वास्तु लिविंग के आज के एपिसोड में इतना ही। यदि आज के एपिसोड से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, सुझाव है, आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। और पल्लवी जी से सीधा संपर्क करने का सरल आसान तरीका है pallavichhelawada.com। अगले अंक तक के लिए आइए पल्लवी जी, दर्शकों से मिलकर के आज्ञा लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग।